हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आपका एक बार फिर से टेक्निकल मन चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपना आयुष्मान कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका आयुष्मान कार्ड बना है तो आप जानते होंगे कि हेल्थ कार्ड में आप 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं, वो भी मुफ्त में, किसी भी सरकारी अस्पताल से या तो फिर जो प्राइवेट अस्पताल हैं जहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है वहाँ से करा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपना आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है तो हम यहाँ पर अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और आपको यहाँ पर टाइप करना है PMJAY। जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपके सामने पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा इस तरह का। तो यहाँ पर आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे जैसे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर लॉगिन नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आपको सिंपली ऊपर क्लिक करना है। जैसे ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का नया आपके सामने पेज खुल कर आ जाएगा। जैसे नया पेज खुल कर आ जाएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक मेन्यू का ऑप्शन मिलता है, देखिए यहाँ पर 3-डॉट मेन्यू का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको इसको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है। आपको ऐसे ही स्क्रॉल करके और नीचे चले जाना है। तो आपको यहाँ पर पोर्टल वाले में आपको मिल जाएगा बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और BIS। यहाँ पर सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जैसे आप मोबाइल नंबर लॉगिन करने के लिए। बट आपको यहाँ पर लॉगिन नहीं करना है, आपको वहाँ पर डाउनलोड करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर 3-डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर सिंपली इसको इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली डाउनलोड आयुष्मान कार्ड, यहाँ पर सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट ऑप्शन पर आधार को क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आधार पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे एक फॉर्म फिल करा जाएगा। तो आपको सिंपली इस पर सिलेक्ट स्कीम पर क्लिक करना है आपको और PMJAY पर क्लिक करना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे एक स्टेट का ऑप्शन मिलता है। तो अपना जो आपका राज्य होगा स्टेट उसको चूज कर लेना है। तो हमारा उत्तर प्रदेश है तो हम उसको चूज कर लेते हैं और यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर आपको टाइप कर देना है। तो जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है उसको आपको टाइप कर देना है। तो हम यहाँ पर अपना आधार नंबर टाइप कर चुके हैं। आधार नंबर टाइप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर चेक कर देना है। यहाँ पर आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है और जनरेट OTP पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर तो आपके जो भी आधार कार्ड से आपका नंबर लिंक रहेगा उस पर आप एक OTP आपके चला जाएगा। तो आपको उस नंबर होना चाहिए और आधार में वो नंबर लिंक होना चाहिए। तो वेट कर लेते हैं हम OTP का। हमारे सामने OTP आ चुका है और OTP को हमने फिल कर दिया है। तो आपको यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करना है। सिंपली आप वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड। अगर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस मतलब शो होगा। तो आप वहाँ से बनवा लीजिएगा। अगर जिसका भी बना रहेगा तो वहाँ पर सिंपली आपका फॉर्म खुल कर आ जाएगा और वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी हमारा नहीं बना है तो हम उसको अप्लाई करेंगे। तो आपको अगले वीडियो में बताएंगे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर सिंपली अपना इस तरह से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं होता, बस सिंपली आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी भेज दीजिए। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।